नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठल। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम पांजरा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री बबलू पटेल शैलेंद्र रघुवंशी जी की उपस्थिति में भाजपा युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रताप राणा जी का ग्राम पांजरा में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के कार्यक्रम में किसानों की जो विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चाएं हुई, जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान और निराकरण निकालने की बात कही गई। इसी कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा जी उपस्थिति में उनके द्वारा डॉक्टर गोपाल रघुवंशी जी का जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी, राधेश्याम रघुवंशी, वीरपाल इबनाती, संदीप दुबे, धर्मेंद्र पटेल, प्रदीप रघुवंशी, विश्व पटेल, विजेंद्र ठाकुर, रमन पटेल, बंटी रघुवंशी, हरवन रघुवंशी, डॉक्टर गोपाल रघुवंशी, नीरज दुबे, अनिल पटेल, सारंग पटेल, हरवंश पटेल, आशु पटेल, शुभम रघुवंशी, भानु रघुवंशी और अन्य भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी जी ने भाजपा युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रताप राणा जी से बात की तो उनका क्या कहना था। आज आपका चोरी पांजरा चांद और बिछुआ में जो भव्य स्वागत हुआ, आपका जो यहाँ पे दौरा हुआ, किस संबंध में, किस विषय को लेकर था, आपके द्वारा क्या गतिविधि की जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से? मेरे लिए कोई नई बात नहीं है जी, जिले में घूमना जी। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का इसके पहले जिला महामंत्री रहा हूँ जी। पूरे जिले में लगभग मैंने सारी विधानसभाओं में 20-25 बार प्रवास किया है जी। और जो भव्य स्वागत चांद में हुआ, बिछुआ हुआ, ऐसे पूरे जिले में हुआ है जी। क्योंकि युवाओं का मेरा सीधा संपर्क है जी। पार्टी के जो पहले पिछले पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष या युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे हैं जी, और वर्तमान में अभी जो कार्यकर्ता हैं जी, उन सभी से मेरा संपर्क है। हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी, और हमारी पार्टी शिष्टाचार पे चलती है जी। या हमारी पार्टी का शिष्टाचार है कि जब कोई नवनियुक्त अध्यक्ष किसी विधानसभा या मंडल के प्रवास पे आता है जी, तो उसे सम्मान दिया जाता है जी। तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो सम्मान देने का भाव रखते हैं जी। उसी भाव के आधार पर आज यहाँ पर युवाओं ने बड़ी संख्या में मेरा स्वागत किया जी। चांद और चौरी विधानसभा में भारी संख्या में युवा है, पार्टी से जुड़े हैं और निरंतर कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल लक्ष्य है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा आने वाले समय में और वर्तमान में भी केंद्र और मध्य प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जी, उनको जन जन तक, गांव गांव तक, मंडल मंडल। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।